हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, जो भी पहली बार ब्लीच अप्लाई करते हैं उन्हें पता नहीं होता कि हमें किस टाइप से ब्लीच करना चाहिए। इसमें इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ब्लीच करते टाइम आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और ब्लीच के पहले आपको क्या लगाना है अपने फेस पे और बाद में क्या लगाना है ताकि आप अपने फेस पे अच्छे रिजल्ट देख सको। गाइस, अगर आप अच्छी तरह से ब्लीच नहीं करते हो तो आपके फेस पे काफ़ी सारे साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको अपने फेस पे बहुत ज़्यादा जलन होती है या एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा हो जाती है ब्लीच करने के बाद, या फिर आपके जो हेयर फेस के हेयर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं? सो गाइज, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगी, सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं ये भी बताऊँगी कि आपको कौन सा ब्लीच अप्लाई करना चाहिए जो आपकी स्किन के लिए बेस्ट हो। वह सबसे पहले तो बात यही आती है कि हमें कौन सी ब्लीच यूज़ करना चाहिए। सो गाइज, इस टाइम पे मैंने ऑक्सी लाइफ की ब्लीच यूज़ की है क्योंकि इसके रिव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और ये फेस पे बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं थी। मैंने ब्लीच अप्लाई करने से पहले अपने हाथ पे अप्लाई किया था ताकि अगर मुझे कोई जलन या इरिटेशन होगी तो मैं इसके अपने फेस पे अप्लाई नहीं करूँगी। मैं सबसे पहले पेस्ट टेस्ट किया था, आप भी ऐसा कर सकते हैं ताकि आपका फेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सो इसके अंदर 3 से 4 चीज़ें निकलती हैं। सबसे पहले तो ये एक्टिवेटर निकलता है, कैसे इसका एक्टिवेटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हमें ये ब्लीच क्रीम का टब मिल जाता है और गाइस इसकी MRP 40 रुपये है गाइस। और एक इसका इसमें मेन्यू भी निकलता है, अगर आपको कोई भी अगर आप इतनी सारी लैंग्वेज में इसका मेन्यू निकलता है, अगर आपको ब्लीच करना नहीं आता है तो आप ये हिंदी वाला है या इंग्लिश वाला, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है आप उसमें पढ़ सकते हैं और अपने फेस पे सेम तरीके से ब्लीच को अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपके फेस पे कोई भी इरिटेशन नहीं हो। उसके बाद मैं इस ब्लीच को बेस्ट इसलिए समझती हूँ क्योंकि इसमें पोस्ट ब्लीच भी निकलता है जो कि होता है एक सिरम जो आपके फेस को ग्लोइंग बनाने में तो हेल्प करता ही है, साथ में आपके फेस को जलन इरिटेशन से भी बचाता है। सो गाइस, ब्लीच करने का सही तरीका क्या है? गाइस, सबसे पहले तो आप अपनी स्किन पे इसका पैच टेस्ट कर दिए, अपने फेस को पहले तो फेस वॉश की हेल्प से अच्छी तरह से धो लीजिए ताकि कोई भी डर्ट गंदगी पोल्यूशन आपके फेस पे ना हो। जब भी आपका फेस अच्छी तरह से धुल जाए उसके बाद आपको बिल्कुल ही अपने फेस को ड्राई कर लेना है, फेस कहीं से भी गीला नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम अपने फेस पे ब्लीच करना स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम ब्लीच का जो क्रीम होता है उसे बनाएंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कांच की कटोरी ले रही हूँ, आपको कांच की कटोरी ही लेनी है। उसके बाद हमें ब्लीच का जो क्रीम निकला है वो इस कांच की कटोरी में डाल देना है और 2 चुटकी जितना आपको एक्टिवेटर पाउडर लेना है, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। गाइस, आपको अच्छी तरह से मिक्स करनी चाहिए ब्लीचिंग क्रीम एक्टिवेटर पाउडर को, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो भी छोटे छोटे दाने होते हैं ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसे अपने फेस पर लगाना स्टार्ट करूँगी। सो मेरा फेस पूरी तरह से क्लीन है और ड्राई भी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गाइस, अच्छी तरह से अपने फेस पे इस ब्लीचिंग क्रीम को लगा लीजिए। गाइस, ये वाली ब्लीचिंग क्रीम अगर आपको जलन इरिटेशन देगी तो आप जल्दी से इसे हटा लीजिए या पेस्ट टेस्ट कर लीजिए। मेरे फेस पे कोई भी जलन नहीं हुई थी, बट हाँ मुझे आंखों में थोड़ी सी जलन हो रही थी। 15 मिनट बाद मैंने अपने फेस को थोड़ा सा क्रीम को हटा के देखा है कि मेरा फेस ब्लीच हुआ है कि नहीं, और अच्छी तरह से ब्लीच हो जाने के बाद मैंने एक लिया है ड्राई कपड़ा, उसको ठंडे पानी में डिप किया है, नॉर्मल ठंडा पानी है। उसके बाद इसे अपनी ब्लीचिंग क्रीम हटा रही हूँ। गाइस, ऐसा इस तरह से ब्लीच हटाने से आपके फेस पे अच्छा ग्लो आता है, आप देख ही सकते हैं। पूरे फेस की ब्लीच अच्छी तरह से हटा लीजिए, उसके बाद आपको ठंडे पानी से भी वॉश करना है। 4 से 5 बार अच्छी तरह से ठंडे पानी से वॉश कीजिए, गर्म पानी का यूज़ ना करें धोने के लिए। और उसके बाद आपको लेनी है एक आइस क्यूब बर्फ़ का टुकड़ा और अपने पूरे फेस पे इसे रब करना है। गाइस, ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्लीच में, सो आपको ये वाला स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये आपके फेस को जलन इरिटेशन से बचाता है और फिर उसके बाद आप पूरा इसको ड्राई करने के बाद जो इसमें सिरम निकला है पोस्ट ब्लीच वो लगाना है। गाइस, इस ब्लीच को हमने नाइट में किया है तो ओवरनाइट सिरम मैं पूरे फेस पे लगा लूँगी और मसाज करूँगी। गाइस, ये वाला सिरम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है और काफ़ी ज़्यादा स्किन अच्छी भी दिखती है। आप इसे 2 टाइम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक तो जिस दिन आपने ब्लीच की है और इसके सेकेंड डे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना मस्त वाला ग्लो आया फेस पे ब्लीच करने के बाद। क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को ध्यान में रखा है कि मैं मुझे ब्लीच के पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है,
और मुझे कितने टाइम तक ब्लीच को रखना है। और सबसे बड़ी बात गाइस, जब भी आप ब्लीच करें हमेशा नाइट में ही ब्लीच को करें, कभी भी दिन में ब्लीच ना करें। दिन में ब्लीच करने से जो सूरज की रोशनी होती ना वो हमारे फेस पर पड़ती है और हमें एक्स्ट्रा जलन इरिटेशन होने लगती है, उसकी वजह से हमारे फेस पे पिंपल एक्ने और जो पिगमेंटेशन होती है ना वो भी हमारे फेस पे दिखाई देती है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए हैं तो आपको रात में ही ब्लीच करनी पड़ेगी, बट हाँ बहुत जल्दी ही ग्लो दिखाई देता है बहुत ही कम पैसे में, तो आप ब्लीच कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी ये वाली ब्लीच। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।